मैं सबसे पहले अरुणाचल की सभी जनता की ओर से मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे यशस्वी और लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आज यहाँ बनाए हैं। आज का ये दिन हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक का दिन है। आज एक ही दिन पर बहुत सारा बड़े प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन लेइंग और उद्घाटन का समारोह है और ये सभी तभी मुमकिन हुआ है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के डायनेमिक लीडरशिप के कारण से। आपकी लीडरशिप के अंतर्गत हमारे अरुणाचल प्रदेश और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक बहुत अच्छा ऊंचाई मिला है। पहले एक वक्त हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश की जनता और पूरे नॉर्थ ईस्ट की जनता अपने ही केंद्र सरकार के मिनिस्टर्स को मिलने के लिए, देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत ही उत्साह से हम लोग बैठे थे, मगर हम लोगों को मौका नहीं मिलता था। मगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में आज हम लोग देख सकते हैं कि हर एक महीना कम से कम 3 यूनियन मिनिस्टर्स हम लोगों का यहाँ पे विजिट होता है। जो दूरी केंद्र सरकार और नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को जो बनाया था उस दूरी को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के लीडरशिप में सारा दूरी को मिटा दिया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को जिनके लीडरशिप के कारण से आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट का यहाँ पे उन्होंने सेक्शन करके दिया है। हम सब का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो सदियों से ही जो हम लोग ने ख्वाब दे के आया अरुणाचल प्रदेश में कि अपना राजधानी ईटानगर में एक एयरपोर्ट होने का, उस सपना का स्वीकार आज यहाँ पे होने जा रहा है। हम बहुत खुशी है अरुणाचल के वासियों, प्रधानमंत्री जी शायद आप कल्पना नहीं कर सकते कि पूरे अरुणाचल का जनता आज कितना खुशी है। फलोंगी में एयरपोर्ट बनने के बाद हमारे राज्य का इकोनॉमिक बोलिए या चाहे डेवलपमेंटल लेवल हम लोग बहुत ऊंचाई में हम लोग अचीवमेंट कर पाएंगे। और साथ ही साथ आज हमारे यहाँ के फिल्म इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे आज फाउंडेशन स्टोन लेइंग का कार्यक्रम यहाँ पे आज किया जाएगा। इसके अलावा डेडिकेटेड चैनल दूरदर्शन प्रभा के यहाँ पे लॉन्चिंग किया जाएगा। इसके माध्यम से हमारे अरुणाचल का जितनी भी जो सुंदरता है उसको हम बाकी के दुनिया को हम दिखा पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे अरुणाचल प्रदेश बहुत ही एक पोटेंशियल एरिया एक स्टेट है, मगर दुखी का बात यह है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के कारण से हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है। मगर मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला दिनों में आपके लीडरशिप के नेतृत्व में आने वाला दिनों में हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएंगे ताकि हमारे यहाँ के जो पोटेंशियल एरिया को हम लोग अपने कैपिटल में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। इस राज्य को और भी बहुत सारा काम करना है और खास करके आपके ही लीडरशिप की प्रेरणा होके हमारा राज्य में जो करप्शन अभी फ्री हो चुका है, करप्शन को हम इस राज्य में बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है। मैंने आपको पहले ही आश्वासन मैंने दिया था कि मैं एक एक पाई का पूरा हिसाब दूंगा। तो मेरे जितने भी जो यहाँ पे जनता मौजूद है अरुणाचल पूरे आपके साथ खड़े हैं और आने वाला दिनों में भी हम चाहते हैं कि आपके लीडरशिप के अंदर में अपना अरुणाचल प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान एक नया ऊंचाई में जाएंगे। आज वक्त थोड़ा कम है इसलिए मैं जरा वक्त लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम सब यहाँ पे आए हैं अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का बातों को सुनने के लिए। तो एक बार फिर मैं अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना शब्दों को यही विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।